Hello students, good afternoon to all. Today we are going to start next topic related to previous topic, that is Euclidean division lemma. SCF as a linear combination of two numbers. We have SCF ko linear combination banana hai two numbers ka, theek hai? तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, इफ एससीएफ ऑफ 420 272 कैन बी रिटन एज 272x प्लस 420y फाइंड x1। अब देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले जैसे हमारे पास एक लीनियर पॉलीनोमियल होती है ax by प्लस c है, तो वैसा ही है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, मान लीजिए ab का हम एससीएफ फाइंड कर रहे हैं, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए, दोनों को माइनस या प्लस करके हमारा जो आंसर बने वो कितना बन जाए, एच सी एफ बन जाए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू क्या फिल करें, वाई की वैल्यू क्या फिल करें, कि इन दोनों का एच सी एफ बन जाए, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए पावर वन है, पावर वन है, तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है, क्लियर। यानी कि एक्स बी वाई टाइप का, ठीक है। अब इसको करने के लिए सबसे पहले जो मेन काम है हमारा वो है एच सी एफ फाइंड करना। क्या फाइंड करना, एच सी एफ बाई डिविजन मेथड, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी हमने किया था, क्लियर, 420 ग्रेटर है 272 से, तो 420 को डिवाइड करना है यहाँ पे 272 से, ठीक है। तो डिवाइड करने पे 1 पे ही जाएगा 272, तो आंसर आ जाएगा 148, चेक कर लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट डिवीजन एक बार फिर करनी पड़ेगी, बिकॉज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर 1 के टेबल पे 148, यहां पे हमारे पास बचेगा 4 2 1 124, अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, फिर से अब डिवीजन करनी पड़ेगी, वो हमारी आ जाएगी यहाँ पे 148 आ जाएगा, 1 के टेबल पे 124, अगेन 24 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 124 जो भी पिछला डिवाइजर उसको एज ए डिविडेंड बनाते जाना, ठीक है, और रिमाइंडर को डिवाइजर हर बार, तो 5 के डबल पे 120 रिमाइंडर हो गया 4, ठीक है। और फिर से ये रिमाइंडर आ गया नॉट इक्वल टू 0, फिर से 26, 6 के डबल पे आपका डिवीजन ये हो जाएगी प्रॉपर खत्म। अब रिमाइंडर बना है 0, अगर 0 बन जाए डिवाइजर क्या बन जाता है, एच सी एफ, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम दिया था तो उसी की तरह है, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं होती, आपको पता ही है हमें जरूरत है यूक्लिड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इन सभी को हम डिवीजन लेमा से लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जैसे फर्स्ट वाला है 420 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148, मैं फिर से रूल बोलने वाला हूं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, फिर से नेक्स्ट में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट हमारे पास आएगा 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124, फिर से थर्ड वाले में आ जाइए 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस प्लस रिमाइंडर इज 24, अगेन 124 कैन बी रिटन एज 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर इज 4, ठीक है। एंड लास्ट वन 24 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 6 प्लस क्या आ जाएगा 0, ठीक है जी, चेक कर लीजिए, क्लियर। तो ये हमने लास्ट टाइम सारा लिखा है, और यहां पे देयरफॉर जो एच सी एफ बनेगा हमारा 420 एंड 272 का, वो हमारा बन जाएगा 4, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम इतना किया था, ठीक है। अब देखिए मैं इसको रन करने लगा, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आपने एच सी एफ को लिखना है एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आप पहले सबसे पहले एच सी एफ कंसिडर कीजिए, ठीक है, 420 एंड 272 वो कितना आपके पास 4, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने हर बार रिमाइंडर की तरफ देखना है, किसकी तरफ देखना है, रिमाइंडर,
वहां पे फोर है, यहाँ पे कहीं फोर रिमाइंडर है, ये जीरो है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में देखिए फोर, तो फोर को हम लिख सकते हैं जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे, 124 है इसको इधर ले लीजिए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 124 माइनस 24 इंटू 5। ठीक है, ये मैंने किया फ्रॉम इक्वेशन फोर से, क्लियर। अब जो 124 है उसको इंटू 1 लिख सकते हैं क्योंकि 124 इंटू 1 124। ठीक है, अब नेक्स्ट ये स्टेप हमारा खत्म हो गया, इसकी जरूरत जो थी है ना नीड वो पूरी हो गई। अब हम जाएंगे नेक्स्ट रिमाइंडर की तरफ, दो रिमाइंडर है, 124 भी है 24 भी है, तो आपने फॉलो करना है पिछले इक्वेशन को, इसमें है 124। ठीक है, अगर आप गलती के चांसेस कम करना चाहते हो तो पिछले वाला रिमाइंडर चूज कीजिए। तो 124 इंटू 1 एज इट इज, नेक्स्ट रिमाइंडर हमारे पास है 24, तो मैं ये यूज करने वाला हूं फ्रॉम इक्वेशन 3, काम वही करना जो फर्स्ट वाले में नहीं है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हमारा बन जाएगा 148, कुछ भी नहीं है, इंटू 1 लिख सकते हैं इसके साथ, माइनस में आ जाएगा 24 इंटू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन में लिखना है, देखिए नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, इसको वन को फाइव से करेंगे तो आएगा इंटू 5, माइनस माइनस प्लस 24। ठीक है, ये 5 एज इट इज, ठीक है, 5 को 5 से कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, क्लियर, इतना समझ लेगा। ठीक है, यहां पे आना था आपका 124 हमारे पास, 124 इंटू 1। ठीक है, तो देखिए 124 इंटू 1 को करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 124 इंटू 6, क्लियर किया गया। फिर से देख लीजिए 24 की हमने वैल्यू फिल करनी थी, वो हमने यहां से वैल्यू फिल की कैसे, 148 माइनस 124 इंटू 1। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, ये हमने किया फॉर्म इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट रिमाइंडर 124 की तरफ, क्लियर, पहले इसको कंबाइन करेंगे। अब देखिए 124 124 आपस में प्लस हो जाएंगे, जैसे आप लाइफ टर्म्स कंबाइन करते हो, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ, वाई वाले को वाई के साथ, वैसे ही यहां पे नंबर देखना है आपने। ठीक है, आपने 124 और 124 दोनों को कंबाइन कर लेना, 124 सबसे पहले प्लस प्लस प्लस, 1 प्लस 5 कितना होता है 6। ठीक है, 148 इंटू 5 क्या किया है, 124 कॉमन निकालेगा, बनेगा 1 प्लस 5 यानी कि 6, क्लियर। अब मैंने आपको पहले बोला कि 124 है नेक्स्ट रिमाइंडर, तो इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, 124 के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, 6 माइनस 148 इंटू 5, ये हम करने वाले हैं फ्रॉम विच इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो 124 को क्या लिख सकते हैं, 272 माइनस 148, 272 माइनस 148 इंटू 1। ठीक है, अब फिर से वही स्टेप कंबाइन करेंगे, 272 इसके साथ 1 है तो आ जाएगा इंटू 6, 148 1 है फिर से 6 है 6 आ जाएगा, 148 इंटू कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब फिर से देखिए लाइक टर्म्स हैं 148 एक जैसे हैं, तो 272 इंटू 6 माइनस 148 इंटू कितना देगा 11, इनको ऐड क्यों किया, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, फिर से लास्ट रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर खत्म नहीं जाते करते रहना। ठीक है, तो किसकी वैल्यू फिल करेंगे इस बार, 272 इंटू 6 एज इट इज, इस बार हम वैल्यू फिल करेंगे 11 की। ठीक है,
तो देखिए 420 माइनस 272 इंटू 1, 420 माइनस 272 इंटू 1, ठीक है। इस बार हमने वैल्यू फिल की थी, किसकी कर दी है 120, पहले 124 की थी, इस बार 142, ठीक है। तो ये मैं यूज किया फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर। तो नाउ इट बिकम 272 इंटू 6 माइनस, माइनस ने साइन चेंज कर देने हैं, 420 इंटू क्या रहेगा 11, माइनस माइनस प्लस 272 इंटू कितना आ जाएगा 11, क्लियर। अब फिर से 272 इंटू 6 और ये था 11, तो 6 प्लस 11 कितना होता है 70, माइनस 420 इंटू 11। अब देखिए जब आप इस प्रोसेस को चलते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपके पास ऐसे ही नंबर आएंगे, 272 इंटू समथिंग 420 इंटू समथिंग, ठीक है। अब यहां पे नेगेटिव है, यहां पे है पॉजिटिव, तो हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या है, नेगेटिव को प्लस कर दीजिए, ठीक है, 420 एज इट इज रहने दीजिए, 11 को नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है जी। तो यहां से अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, इसको हमने कंपेयर करना है, कंपेयर विद, इसके साथ कंपेयर करना है 272x प्लस 420y के साथ। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 70, और जो y की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी माइनस 11, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसको कंपेयर कर दिया तो क्या आ गया x एंड y, ठीक है। अब अगर आप यहां पे चेक करना चाहते हो कि वाकई में ये मेरी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, प्रॉपर वे से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे 420 को 11 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4620 नेगेटिव का, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3401, ठीक है, 341, ठीक है। इसी में से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको बन जाएगा 4620, क्लियर। चेक कर लीजिए, इसको माइनस करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 4, तो 4 क्या था आपका HCl, ठीक है। इस वजह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ठीक बना है या नहीं बना, क्लियर। इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, टेक ए लुक। अब देखिए इसकी स्टेटमेंट कई तरीके से आ सकती है, चेंज होकर आ सकती है, ठीक है, तो वो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। जैसे दिखा हो सकता है, किसी स्टेटमेंट को मैं लिख के बताता हूं, इफ एच सी एफ ऑफ 420 एंड 272 इक्वल टू 272x प्लस 420y, फाइन x एंड y, तो मीनिंग दोनों केसेस में सेम है, ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से बेटा जिसको ट्राई कीजिए, जितना भी आप एससीएफ निकाल रहे हो तो आप उनको एक बार लीनियर कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करके देख लीजिए, लास्ट टाइम जो आपने किया उसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, ठीक है, तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो ये था हमने आज टॉपिक किया एससीएफ एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वे नंबर्स, क्लियर। ओके बेटा, बाय बाय, आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर लाइक माई वीडियो।